नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर बेस करके एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो आप इजिली मार्केट में स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका फेवरेट स्क्रिप्ट डेली सेम परफॉर्मेंस देके जाएगा ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सुबह कोई पता चल जाए कोई अच्छा स्टॉक जो अच्छा रिटर्न देने वाला है तो आपका काम काफी ईजी हो जाता है। तो अभी आपका सामने देखिए एक रिपोर्ट कार्ड दिखाई दे रहा है, ये हम लोग का स्टॉक सिलेक्शन का एक टेक्निक है जो स्कैनर का द्वारा आपको मिल जाएगा। तो हम लोग के सॉफ्टवेयर में ये स्कैनर अवेलेबल है जो 9:15 को मार्केट ओपन होगा। आप विद इन 5 मिनट कभी भी स्कैन को कर सकते हैं और ये लिस्ट आपका सामने आ जाएगा। ये लिस्ट आपको बता देगा जो आज को कौन कौन स्क्रीन में क्या मूवमेंट होने वाला है, कितना ट्रेंडी रहने वाला है। एकदम लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ऊपर में लिखा है टूडेज वन साइड ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट लिस्ट। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा स्क्रिप्ट आज को एक तरफा मूवमेंट करने का संभावना है। मतलब ये स्क्रिप्ट में अगर आप काम करेंगे तो आप साइडवेज में या ट्रैप में जनरली नहीं फंसेंगे। उसका बाद देखिए डेट दिया हुआ है, जिस डेट में काम करेंगे उस डेट को आपको बैठा के स्कैन करना है। उसका बाद लिखा है ट्रेंड पायरिटी, मतलब किधर मूवमेंट करेगा, अपसाइड या डाउनसाइड। तो उसके लिए ये ट्रेंड पायरिटी को देखना है। देखिए आज को जैसा मैक्सिमम आपको दिखाई देगा फर्स्ट पायरिटी बाय और उसका सेकेंड प्रायोरिटी सेल है। फर्स्ट प्रायोरिटी बाय है, इसका मतलब है मोर देन 60% चांस से मार्केट ऊपर जाएगा, 40% चांस मार्केट नीचे गिरने का भी है। अब ये दोनों में से कौन सा प्रायोरिटी को आपको प्रेफर करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल एंड स्ट्रॉन्ग बाय बोल के दो रो दिया गया है। मतलब इसको भी फिल्टर करके ये बता रहा है, अगर किसी का बगल में रेड रहेगा तो सेलिंग के लिए प्रेफर करेगा, किसी का बगल में ग्रीन रहेगा तो बाइंग के लिए प्रेफर करेगा। तो काफी सारा स्क्रिप्ट आपका सामने आया है, डेली इतना नहीं आता है, डिपेंड ऑन मार्केट। जैसा आज को मार्केट काफी ट्रेंडी रहा, सारा अप ट्रेंड गया है मैक्सिमम, तो इसके लिए ये लिस्ट आपको सुबह को ही मिल गया था। तो सबसे पहले मैं आदानी एंटरप्राइज का चार्ट को देखूंगा। इसमें देखिए लिखा है फर्स्ट प्रायोरिटी बाय और उसका बगल में ग्रीन है। उसका ऊपर में देखिए एसीसी का चार्ट है, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी बाय है बट उसका बगल में कोई ग्रीन नहीं है। तो आप उसी को प्रेफर कीजिए जिसका फर्स्ट प्रायोरिटी बाय है या फिर ग्रीन है उसका साथ, या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी सेल होगा तो रेड होना चाहिए। है बहुत सारा स्क्रिप्ट, सारा स्क्रिप्ट में तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, हम लोग 2 से 3 स्क्रिप्ट को चूज करेंगे इस बेसिस पे। जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा उसी टाइप का आपका स्ट्रॉन्ग बाय या स्ट्रॉन्ग सेल को मैच करना है। तो आदानी एंटरप्राइज का चार्ट देखिए आज को निकाला हूं, तो ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है, दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ टुडे, यहां पर मार्केट ओपन हुआ था। इस चार्ट में देखिए ऊपर में लिखा हुआ है बाय अबव एंड सेल बिलो। तो आपको पता है अदानी एंटरप्राइज आज को उठने वाला है और वो स्ट्रॉन्ग बाइंग पे है, बट आप बाय करेंगे कब, जब तक ये वैल्यू को नहीं तोड़ेगा। कौन सा वैल्यू, देखिए ऊपर में लिखा है 3090, तो 3090 का ऊपर बाय करना है और आप अपना एक्सपेक्टेशन का जैसा रिजल्ट ला सकते हैं, जैसा आप, मैं तो जनरली बोलता हूँ 1% लेके निकल जाना है, क्योंकि मार्केट कब रिवर्स हो जाएगा नो बडी नोस। ये प्रेडिक्शन सुबह को विद इन 5 मिनट बता देगा जो ऐसा होने वाला है, बट अल्टीमेट क्या होगा नो बडी नोस। इसीलिए शेयर मार्केट में जितना जल्दी हो सके आप प्रॉफिट लेके निकल पाएंगे उतना बेटर है। कभी कभार ये आपको लंबा प्रॉफिट देके जाता है सारा दिन के लिए। एक्चुअली इस स्कैनर का कंसेप्ट ही है जो होल डे आपको वन साइड डायरेक्शन मूवमेंट देगा, बट मैं बोलूंगा 1% प्रॉफिट लीजिए और जितना जल्दी हो सके मार्केट को छोड़ दीजिए। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे 3090 से अभी मार्केट का वैल्यू चल रहा है 3145, अभी भी अप ट्रेंड है। ऑलरेडी मार्केट एक बार हाई मारा था 3165, तो लंबा मूवमेंट मार्केट यहां पर क्रिएट करके गया है। कोई सिग्नल देखने का जरूरत नहीं है, रेट तो देखना ही नहीं है, बाइंग कॉल बाइंग का आ रहा है तो भी आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए काफी सारा स्क्रिप्ट है, मैं और एक दो चार्ट लगा के दिखाऊंगा, कुछ ऐसा भी दिखाऊंगा जहां पर मूवमेंट खराब था। जैसा देखिए यहां पर अरविंद का एक चार्ट खोल के देखते हैं क्या मूवमेंट किया है। देखिए अरविंद में उतना खास मूवमेंट नहीं मिला, बट आप अपना रिजल्ट यहां पर निकाल लिए हैं। यहां पर आपको बाय करने के लिए बताया था 97 का ऊपर, 98.1 का हाई मारा है, 1% के हिसाब से 1 रुपया ये भी आपको दे चुका है। तो यहां पर ये जो सारा लिस्ट देख रहे हैं,
अब इसमें से ऐसा दिखाएंगे, जैसे देखिए बंधन बैंक को फोकस कीजिए, बंधन बैंक में लिखा है फर्स्ट प्रायोरिटी बाई, सेकेंड प्रायोरिटी सेल और रेट के साथ, इसका मतलब यही है जो ये सेकेंड प्रायोरिटी को इंपॉर्टेंट दे रहा है। तो बंधन बैंक का चार्ट को देखते हैं जो ये कैसा मूवमेंट किया। बंधन बैंक का चार्ट को खोलने के बाद मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है, यहां पर बताया गया है जो बाय अब 279.80, सेल बिलो 272.10। तो आज को टोटल डे ये दोनों वैल्यू को मार्केट ब्रेक नहीं किया, तो दिस इज अ साइडवेज मार्केट, यहां पर आपको ट्रेड ही नहीं होगा। अगर ये दोनों वैल्यू को नहीं तोड़ रहा है मार्केट, इसका अंदर घूम रहा है, इसका मतलब है ये टोटली साइडवेज मूवमेंट है, इसमें आपको नहीं फंसना है। तो इस हिसाब से जितना भी आप स्क्रिप्ट देख रहे हैं, आज को देखिए मैक्सिमम बाइंग ट्रेंड में रहा है। यहां पर देखिए आप देख सकते हैं ब्रिटानिया में बाइंग ट्रेंड दिया था, ब्रिटानिया भी आज को हम लोग देखे थे काफी अच्छा मूवमेंट किया है। ये देखिए ब्रिटानिया का ये फर्स्ट कैंडल था आज का, ये सेकेंड कैंडल पे ये वैल्यू को भी तोड़ रहा है, यहाँ पर कॉल भी बन रहा है, तो कॉल बनने से और भी अच्छा हो जाता है। 3667 का ऊपर बाय करने के लिए बताया था, 3750 का हाई मारा था, तो ये बिग बिग रैली है। तो इस टाइप का जो स्कैनर है, ये स्कैनर आपको इजीली सुबह को ही बता देगा आज को कौन कौन स्क्रिप्ट क्या मूवमेंट होगा। तो आज को देखिए मैक्सिमम जो दिखाई देगा आपका फर्स्ट प्रायोरिटी बाय और वो ग्रीन का साथ है, तो है बहुत सारा स्क्रिप्ट, जस्ट उसी को फोकस कीजिए जिसका बगल में फर्स्ट प्रायोरिटी बाय है और वो ग्रीन का साथ है। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी बाइंग तो दिया है बट वो कोई ग्रीन नहीं है, तो इसको हम लोग फोकस नहीं करेंगे। उसका ऊपर में डीमार्ट आपको दिखाई दे रहा है, देखिए डीमार्ट में फर्स्ट प्रायोरिटी बाय और ग्रीन का साथ है, तो देखते हैं डीमार्ट क्या मूवमेंट किया है आज को। डीमार्ट में भी देखिए काफी मूवमेंट किया है, बाय बताया था 4295 का ऊपर, ऑलरेडी मार्केट यहां पर हाई मारा था, ये देखिए इस कैंडल का हाई 4444, मतलब एक लंबा बिग रैली आपको यहां पर देखे गया, उसके बाद साइडवेज कर दिया, बट उसका अंदर आप अपना एक्सपेक्टेशन मोर देन एक्सपेक्टेशन यहां पर रिजल्ट बना लिए। तो ये स्कैनर काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है स्टॉक सिलेक्ट करना चाहते हैं, स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहां पर और एक दिखाएंगे इंफोसिस फर्स्ट प्रायोरिटी बाय था और रेट का साथ था, तो इस टाइप का स्क्रिप्ट को हम लोग जेनरली इग्नोर करने का कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर भी देखिए टोटली इस दोनों मतलब ये जो वैल्यू है ये दोनों लाइन का अंदर साइडवेज होके चॉपी करके रख दिया है, तो इसीलिए इस टाइप का कॉल को हम लोग, इस तरह का स्क्रिप्ट को हम लोग इग्नोर करने का कोशिश करेंगे। जैसा इस तरह का स्क्रिप्ट को देखेंगे, देखिए बाय में यहां पर दिया है एमजीएल में दिया है बाइंग ट्रेंड, एमजीएल में देखिए काफी अच्छा मूवमेंट मिला है, यहां से बाइंग ट्रेंड मिला था 856 का ऊपर, अभी भी मार्केट अप ट्रेंड है, अभी भी मार्केट खत्म नहीं हुआ है, 868 का वैल्यू चल रहा है। तो होपफुली समझ में आया है जो ये स्कैनर का इंपॉर्टेंस क्या है, सुबह कोई आपको स्कैनर मिल जाएगा विद इन 5 मिनट आपका पास ये लिस्ट आ जाएगा। अब इतना सारा स्क्रिप्ट मिल रहा है ये डिपेंड ऑन मार्केट, आज को सारा मैक्सिमम बाइंग ट्रेंड है इसलिए इतना आया है, जनरली इतना आता नहीं है। अदरवाइज आप अपना एक ग्रुप भी बना सकते हैं जिसमें आप निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसका अंदर ही आपको कोई ऐसा कंसेप्ट आएगा तो आपको दिखाई देगा, तो दिस इज द मैटर। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। और फाइनली एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसा हम लोग एलिस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, और भी डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, लिंक ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, आपका बस एलिस ब्रोकर की तरफ से फोन चला जाएगा, मन में जो भी डाउट या क्वेरीज आप कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपको लग रहा है जो एलिस ब्रोकर आपका एक्जिस्टिंग ब्रोकर से ज़्यादा बेनिफिट दे रहे तो ही ज्वाइन होइए। तो फाइनली एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है स्टॉक सही से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, पर्टिकुलरली एक स्टॉक का भरोसे मत रहिए, क्योंकि आपका फेवरेट स्क्रिप्ट डेली सेम परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो स्टॉक को रोटेट कीजिए, स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सही स्टॉक आपको सारा दिन का प्रॉफिट देके निकल जाएगा। तो फाइनली एक बार रिलायंस को देख लेते हैं, जो रिलायंस में क्या मूवमेंट हुआ है आज को। जैसे देखिए रिलायंस यहां पर आज को बाइंग ब्रेकआउट था 2604.55, तो यहां से बाइंग ट्रेंड पकड़ रहा है, ऑलरेडी ह्यूज प्रॉफिट दे चुका है। देखिए अभी जैसा मार्केट गिर गया है, तो इसके लिए बोलता हूँ जितना जल्दी हो सके निकाल लीजिए प्रॉफिट, क्योंकि उसका बाद क्या होने वाला है नोबडी नोस। तो थैंक यू सो मच, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियो देखना है, मेरा टेक्निक को समझना है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल का लिंक दिया है, काफ़ी सारा वीडियोस है, जाके देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।